हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश ठाकुर आज आपको ले चलूँगा श्राईकोटी माता के मंदिर। बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा फ्रेंड्स, रोड ट्रिप है और आपको मंदिर का भी सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए आसपास का व्यू, कितना ज़बरदस्त व्यू है फ्रेंड्स। तो अभी श्राईकोटी पहुँचने में हमें थोड़ा सा अभी और टाइम लगने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि वीडियो में आपको बहुत आनंद आने वाला है, अच्छी अच्छी जगह मिलने वाली है फ्रेंड्स आपको, तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आपको इस वीडियो में तीन अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेगी और जानकारी मिलेगी श्राईकोटी माता रानी के मंदिर के रहस्य में, कि वहाँ पर पति पत्नी एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते माता रानी के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ले चलूँगा, जो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है बालीदार, एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको वहाँ का सुंदर नज़ारा आपको दिखाऊंगा और उसके बाद यहाँ से हम सीधे चलेंगे श्राईकोटी माता के मंदिर में। ये देखिए फ्रेंड्स बालीदार का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे देवदार के, कायल के बड़े ज़बरदस्त पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं अभी। और ये सुंदर तालाब देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी जगह है फ्रेंड्स। और बहुत आनंद आ रहा है इस जगह में आकर के, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस बालीधार का, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर। और आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छी चहल पहल रह सकती है, बहुत ही यूनिक जगह है, अच्छी जगह है। और क्लाइमेट के हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्या कहना, बहुत ही अच्छा लगा हमें इस जगह में आके। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे बालीधार का सुंदर नज़ारा जो मैंने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे यहाँ से सीधा श्राईकोटी, तो वहाँ का सुंदर नज़ारा आपको दिखाएंगे और उसके बाद ले चलेंगे आपको दारण घाटी, जो एक बहुत फेमस जगह है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये श्राईकोटी माता की चोटियों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बादलों से घिरा हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से आपको सीधा मिलेंगे श्राईकोटी माता के मंदिर के पास। तो लीजिए फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे श्राईकोटी माता के मंदिर के कम्प्लेक्स से। अभी मात्र 1 किलोमीटर पीछे हैं जहाँ तक गाड़ी जाती है, यहाँ से आगे अब गाड़ी ले जाना सख्त मना है। तो फिलहाल हम यहाँ रुक के आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ यहाँ पे आसपास का, और फिर सीधे चलते हैं मंदिर की ओर, जो यहाँ से अब पैदल चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लॉक लगा है, यहाँ से प्रवेश बिल्कुल निषेध है। हालांकि रोड वहाँ तक पहुँच चुका है श्राईकोटी माता के मंदिर में। तो फ्रेंड्स तो चलिए पैदल चलते हैं और लेते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये भेड़ बकरियाँ बिल्कुल एजिज में है पत्थर के और ढांक में, ये किस तरह से जाती होंगी वो तो यही जानते हैं, पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट रास्ता है, हम यहाँ से जाएंगे पहले गणेश देवता महाराज का
मंदिर के दर्शन करेंगे तो जो बिल्कुल पास में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं ये मंदिर कम्प्लेक्स में। यहाँ से शुरू हो गया है माता रानी का कम्प्लेक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हो ये मुंडन संस्कार के लिए बनाया गया है। लोग अपने बच्चों के बाल कटवाते हैं इस मंदिर में। और ये देखिए, ये गणेश देवता महाराज का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब रोड यहाँ तक पहुँच चुका है और सामने आप देख रहे हो ये श्राईकोटी माता रानी का मंदिर। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहुँचने वाले हैं मंदिर कम्प्लेक्स में। तो ये यहाँ से स्टेयर्स हैं और हम पहुँच चुके हैं ये मंदिर कम्प्लेक्स में, माता रानी के मंदिर में। जय हो माता रानी। तो लीजिए फ्रेंड, अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर में और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ माता रानी के मंदिर का। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको सुंदर नज़ारा यहाँ आसपास का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और पिछले 8 महीने से यहाँ पे लगातार काम किया जा रहा है इसको मॉडिफाई करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और ये देखिए, ये पैराफिट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे, चारों तरफ से अच्छा डेकोरेट किया जा रहा है इस मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, देते हैं आपको यहाँ पे जानकारी कि यहाँ पे पति पत्नी एक साथ क्यों नहीं प्रवेश कर सकते माता रानी के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में। तो फ्रेंड्स, ये ग्रंथ और विष्णु पुराण में भी जिक्र किया गया है इस बात का कि एक बार जब शिव और पार्वती जी ने गणेश और कार्तिक को कहा कि जो पृथ्वी में हमारी परिक्रमा पूर्ण करके पहले आएगा वही हमारा सर्वश्रेष्ठ और आज्ञाकारी पुत्र होगा। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जब वापस आ रहे थे तो नारद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो। तो कार्तिक ने कहा कि माता पिता ने कहा है कि जो पृथ्वी की हमारी परिक्रमा पृथ्वी में पूरी करके आएगा वही हमारा पुत्र और आज्ञाकारी पुत्र कहलाएगा। गणेश जी बुद्धि के बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में घूमकर ही परिक्रमा पूर्ण कर ली। और जब कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके वापस पहुँचे तो देखा गणेश पहले से ही वहाँ पर थे। तो गणेश जी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया और कार्तिक को श्राप देकर श्रापित कर दिया। और फिर गुस्से में आकर कार्तिक चोटी पर चले गए और अपने माता पिता से कहा कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे कोई देख नहीं पाएगा और ना मेरे पास कोई पहुंच पाएगा। तो फ्रेंड, जब कार्तिक को श्राप दिया गया था उस समय एक ऋषि भी वहां पर तप करने के लिए आए थे और माता के पास बैठ गए थे और वो कहा कि मेरी भी इच्छा तप करने की है। तो फ्रेंड्स, चिरकाल में तब ऋषि ने भी यहाँ पे तप किया था और उसके मन में माता रानी के लिए काम वासना जाग गई थी और माता रानी से मोहित हो गया था। फिर माता रानी ने कहा कि तेरे मन में ऐसी छल कपट बातें कैसे आ गई है, या तो तू मेरे साथ युद्ध करके जीतेगा तभी मैं तेरे साथ वर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, और तब ऋषि को माता ने श्राप दे दिया। और फ्रेंड्स, तब से लेके अभी तक माता रानी के दर्शन के लिए एक साथ पति पत्नी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चिरकाल समय में जब इंद्र आदि देवता जब परलोक से यहाँ पधारे तो देवी माता ने बाल कन्या रूप धारण कर लिया और कई सालों तक यहाँ तप किया। देवी और देवताओं ने अपने शस्त्र प्रदान किए, ब्रह्मा और विष्णु ने माता को वरदान दिया कि जो भी आपके पास आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे इच्छा संतान प्राप्ति की हो
और चाहे कोई और, तो माता रानी यहाँ पे शैलीपुत्री के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मंदिर की जानकारी, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको ले चलते हैं यहाँ से दारण घाटी, जो एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो फ्रेंड्स मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, पर लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप दारण घाटी भी जाइए, वहाँ पे एक बहुत पुराना रेस्ट हाउस है जो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और अच्छी लोकेशन है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, हम आपको ले चलेंगे दारण घाटी। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं मंदिर कॉम्प्लेक्स से, और यहाँ से लेके जो रोड है, रोड ट्रिप है दारण घाटी तक, तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। तो किस तरह की लोकेशन है और आसपास का सुंदर नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से दारण घाटी लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा सुंदर दृश्य दिखाऊंगा बीच का। तो दारण घाटी पहुँच के आपको जो रेस्ट हाउस है वहाँ का बना हुआ है, और जो गुमटी है वो भी आपको वहाँ की दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ से जो आगे का ये रोड जा रहा है लेफ्ट साइड का, हम इस पे जाएंगे, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दारण घाटी। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, अब हम कुछ ही देरी के बाद पहुँचने वाले हैं दारण घाटी। तो लीजिए फ्रेंड्स अब हम पहुंचने वाले हैं ये दारण घाटी। तो फ्रेंड्स ये रहा दारण घाटी का चौक, और बिल्कुल यहाँ आसपास में ये होगा रेस्ट हाउस। तो ये देखिए सामने, तो फ्रेंड्स अब हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आपको ये जो रेस्ट हाउस बना हुआ है, कहते हैं कि बहुत ही पुराना है और इतने हाई अल्टीट्यूड में बना हुआ है ये रेस्ट हाउस, और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ इस रेस्ट हाउस का, बहुत अट्रैक्टिव सी जगह है ये। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए।
फ्रेंड्स ये देखिए शिमला यहाँ से 172 किलोमीटर, कल्पा 133, नारकंडा 108 किलोमीटर है, रामपुर 42 किलोमीटर और सरान 36 किलोमीटर दूर है। और सरान के लिए जो ये साइड से जो रोड जा रहा है वो सीधा सरान के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह दारण घाटी। चुके हैं ये दारण घाटी। तो फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे दारण घाटी का, बहुत ही ज़बरदस्त। ये रेस्ट हाउस बना हुआ बहुत ही पुराना है, पर लेकिन जिस तरह से इसको मेंटेन किया गया है काबिली तारीफ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स यहाँ का। काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में स्थित है, शाहीकोटी से मात्र ये 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये सुंदर स्थान दारण घाटी। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये दारण घाटी। तो फ्रेंड्स हमें तो बहुत आनंद आया यहाँ पे आके, तो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फ्रेंड्स दारण घाटी का चौक मेन मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये दुकान मिली तो बड़ा अच्छा लगा, और हमने यहाँ पे चाय पी, और चाय पी के अब हम यहाँ से जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये सफ़र समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय।